नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे फालसा की, ठीक है। तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की ज़्यादातर वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। एक दो वीडियो आपकी बाकी रही है, ये फलों वाली क्रॉप्स जो है इनके बारे में, वो जल्दी से जल्दी आपकी अपलोड कर देंगे, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिए, या सदस्यता जो है हिंदी में आपके आता होगा, सदस्यता ले लें, ठीक है। साथ में बेल आइकन या फिर घंटी का निशान है उसको दबा दें, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, चलिए फालसा की फसल को स्टार्ट करते हैं। तो वानस्पतिक नाम दोस्तों इसका होता है ग्रेविया सब इनेकुलिस, ठीक है। आराम से पढ़ें आप, सब इनेकुलिस, कोई भी ऐसा वर्ड आता है आप आराम से पढ़ें। देखिए, कुल इसका होता है टिलियसी, उत्पत्ति स्थान है भारत। तो गुणसूत्र दोस्तों इसमें 2 अन 36 होते हैं, ठीक है। फल प्रकार इसका ड्रुप होता है या अस्थिल होता है। देखिए, खाने योग्य भाग जो है बाह्य और मध्य फल भित्ति जो है उसको खाने के काम में लेते हैं। दोस्तों, इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम जो है ये 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस जो है अपने को ये मान लो उपयुक्त रहता है, ठीक है। जलवायु जो है उपोष्ण यानी कि ठंडी, गर्म ये और आर्द्र, ठीक है। तो प्रवर्धन जो है इसका बीज द्वारा और कलम द्वारा किया जाता है। परागण दोस्तों फालसा की फसल है, इसमें परागण जो है पर परागण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए फूल आने का समय, तो फूल आने का समय है मार्च, मार्च में इसमें फूल आते हैं। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन जो है ए बी और सी ये इसके अंदर पाए जाते हैं। रोपण दूरी की बात करें, रोपण दूरी दोस्तों इसमें 3 से लेकर 3 गुणा 3 मीटर के हिसाब से पौधों को रोपते हैं, ठीक है। तो फालसा में जो कटाई छटाई या प्रूनिंग का टाइम है वो दोस्तों होता है दिसंबर और जनवरी, ठीक है। दिसंबर से जनवरी के अंदर इनमें कटाई छटाई करते हैं। तो दोस्तों, जो उत्पादन में यानी कि फालसा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखने वाली बात है, कई बार इस तरह से पूछा जाता है। फलन इसके अंदर होता है दोस्तों 3 साल बाद, यानी अपन रोपण अगर आज किया है तो 3 साल बाद में अपन को इसके फल जो है प्राप्त होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, किस्मों की बात करें, इसके अंदर किस्में सिर्फ है लोकल और शरबती, जो कि मीठी किस्म है, और लोकल जो है ये किस्म है, ठीक है। तो किस्में अपनी होगी, इसके अंदर दो ही किस्में। इसमें दोस्तों रोग कीट वगैरह जो ज़्यादा लगते नहीं है फालसा के अंदर, बस पक्षियों का जो प्रकोप होता है, यानी पक्षी जो है इसके फलों को खा जाते हैं, झाड़ देते हैं, ठीक है। उस उनका प्रकोप से बचने के लिए क्या करें, मिथियोकार्प यानी कि मिजोरल, इसका 0.05% का, मतलब बहुत थोड़ी इसकी मात्रा का छिड़काव कर देते हैं, इससे जो पक्षी हैं वो अपने पौधों से दूर ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपने फालसा की फसल है, शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे से आपको बता दिया है। दोस्तों, एक बार फिर से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी कि लाल नीचे बटन है वो नहीं दबाया, या सदस्यता नहीं लिया आपने, तो दोस्तों वो ले लें, क्योंकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती है जिसके अंदर दोस्तों इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे मिलेंगे, सुपरवाइज़र की हो चाहे कोई भी भर्ती हो, ठीक है। एग्रीकल्चर से अपने रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, तो उनमें बहुत काम आने वाली चीज़ है, वो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, साथ में सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है उसको काला करें, इसके बाद आपके इधर बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को दबाएं। पहले ये इस तरह से होगी, बाद में इसके दबा दोगे, इसके ये दो सींग से आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना करना, अपना सहयोग दें। कैसी वीडियो कैसी लगी आपको, इसका कमेंट बॉक्स में यहाँ पे हमें ज़रूर बताएं। और बाकी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम जो है आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।